हे गाइस, तो आज हमने मंगाया था चॉकलेट रूम से चॉको ट्रफल पेस्ट्री, जिसके साथ हमें नैपकिन और स्पून्स मिली हैं, और ये हमारा आया है पिज्जा हट का पार्सल। अब हमने पिज्जा हट से क्या मंगवाया है? हमने मंगवाया है इंडिक रॉकिंग रोल वेज, जीस्टी वेज पॉकेट, चीज जेलेपिनो डिप, और ये आया है हमारा हैंडलिंग चार्जेस। कोई बात नहीं, तो ये हमारा पड़ा है 120 का और चार्जेस लगा के 135 टोटल, और ये ऑलमोस्ट 230 का हमको पड़ा है। अब देखते हैं, पहले पिज्जा हट की अनबॉक्सिंग की जाए। तो अब इसमें हमें क्या क्या मिला है? एक तो बिल मिला है, नहीं नहीं पहले बिल, ये बिल मिला है, ये हमारी है चीजी डिप और नैपकिन्स ऑफकोर्स, और हमें क्या मिला है, सीजनिंग मिली है। सीजनिंग ये क्या हुआ, और नहीं है, कोई बात नहीं देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये इंडिक रॉकिंग रोल, ठीक। और हमारा ये हो गया जीस्टी वेज पॉकेट। तो अब शुरू करते हैं इसकी अनपैकिंग। ये हमारी सीजनिंग जो कि बहुत थोड़ी सी है, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये, अच्छा हाँ, तो हमारा ये हुआ था 135 और ये टोटल 230 हुआ था, तो टोटल कितना हुआ, 132 और 3 weeks later 232, तो हो गया 364। ये हग दिया, कैलकुलेटर कैलकुलेटर निकालो। करवाली बेस्ती, हाँ ठीक है, हो गया, ओके डन। नहीं तो आपको टोटल प्राइस हमने बता दी, और अब इसका पहले हम करेंगे ओपनिंग। ये देखिए, ये ग्लोव लुक दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ओ हो, ये पनीर, और इसमें है शिमला मिर्च, और इसमें है प्याज, और ये सॉस। ये सॉस मैंने पढ़ी, तो जो हमने ये वाली सॉस मंगाई है चीजी जेलेपिनो डिप, उसमें लिखा हुआ था कि इसमें भी वही सॉस है। ये देखिए, ये बात। अब आते हैं हम अपने वेज इंडिक रोल पे। इस पर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। ये है हमारा इंडिक रोल, ओहो, ये पिछली बार से तो काफी अलग है। पहले उन्होंने 4 पीस करके दिए थे और ऊपर गार्लिक का वो पूरा लगाया था, बट इसमें नहीं है, और वो क्रिस्पी बहुत था, ये बहुत नरम है। ये देखिए पूरा मुर्गा है, ये बहुत नरम है। वेल, इसकी स्टफिंग सॉस भी नहीं लगी क्या अंदर? अरे ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग रहा, इसमें तो सॉस भी नहीं लगी है, कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी बहुत मेयोनीज टाइप कुछ लग रहा है, ये डिसअपॉइंटिंग रहा थोड़ा। ये क्रिस्पी भी नहीं है, और गार्लिक का जो पिछली बार पाउडर और वो पेस्ट लगा था वो बहुत अच्छा था, उसने अलग ही उसका लेवल बढ़ाया था, बट इस बार नहीं है, क्रिस्पी भी नहीं है, एकदम मुलायम है, तो इसने डिसअपॉइंट किया इस बार। और ये हमारी चीजी डिप, इस बार यार ये मजा नहीं आया, उसने डिसअपॉइंट कर दिया। चलिए अब हमारी बची है चोको ट्रफल पेस्ट्री, अब इसकी अनबॉक्सिंग की जाए। ये ओहो, ये देखिए ग्लोव लुक, ये हमारी चोको ट्रफल पेस्ट्री, आ जा, नहीं आना,
ये हमारी चोको ट्रफल पेस्ट्री और ये टड़ा टड़ा, और ये हमारा क्लोव लुक। एक बार फिर से आपके मुंह में पानी लाने के लिए धन्यवाद, आपको भूख लगवाने के लिए। तो ये वैसे तो ये सब ठंडा हो गया, हमारा डिलीवरी बॉय पता नहीं कहाँ चला गया, सीधा साधा रास्ता छोड़ के, उस वजह से सब ठंडा हो गया। ये भी देखिए क्रिस्पी नहीं है बिल्कुल भी, ठंडा होने की वजह से वैसे भी टेस्ट नहीं आएगा, फिर भी लेट्स ट्राई। ये मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ तो आपको बताती हूँ, रुकिए। ये कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, ये भी ओके सा था, ठीक है, मतलब ओके ओके। और अब देखते हैं ये जिसने हमें काफी डिसअपॉइंट किया, लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा रहता है। ये हमारी गार्लिक, ये डिप हमारी, और वेज इंडिक रोल, लेट्स ट्राई दिस। तो टेस्ट में ठीक है, लेकिन मतलब एक वो आता है ना जो ऊपर से इस पर लगता था ना, जो गार्लिक का मतलब गार्निशिंग सी होती थी, वो गाइस एकदम अलग लेवल पे ले जाता था इसको। ये ओके है, मैं अच्छा नहीं कहूंगी, मैंने पहले भी खा रखा है इसलिए आई नो कि अच्छा क्या था इसका। और ये देखिए धोखा ऐसे दिया जाता है, यहाँ पर इन्होंने बंद करके फिर पीछे पीछे लगा दिए। और ये किस चीज की टिक मतलब आई मीन स्टफिंग है वो मुझे नहीं समझ आ रहा देखने में, बट टेस्ट भी इसका कुछ इतना खास नहीं है। और ये चोको ट्रफल पेस्ट्री अब टेस्ट की जाए। तो गाइस ये पेस्ट्री ने मन बना दिया, ये शानदार है, ये बहुत शानदार है। ये चॉकलेट रूम की थी चॉकलेट ट्रफल पेस्ट्री, इनकी चोको चिप पेस्ट्री भी हमने ट्राई की हुई है, दोनों ही बहुत शानदार है। तो ये हमारा क्लोजिंग लुक। पिज्जा हट ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज्यादा, इसमें भी मतलब कोई खास ऐसा फ्लेवर नहीं आया, ये क्रिस्पी नहीं है, और इसमें तो हद से ज्यादा मतलब एकदम नेगेटिव में चला गया जो इसको लेके था ना, एकदम नेगेटिव में चला गया। और ये हमारी पेस्ट्री बस यही थोड़ी ठीक थी, एक्चुअली अच्छी थी। ओके तो टाटा बाय बाय।